नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे भारत और ईरान के संबंधों के बारे में। अभी देखेंगे कि हाल में क्यों कारण किस कारण से चर्चा में बने हुए हैं और भारत ईरान संबंधों का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में भी जानेंगे। भारत के लिए आखिर ईरान का महत्व क्या है, हम लोग इतना जोर क्यों देते हैं ईरान पर उसके बारे में भी जानेंगे। भारत ईरान संबंधों के में मतभेद कहाँ है और भारत और ईरान के बीच सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं उन पर भी बात करेंगे हम लोग। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग मैप्स में एक बार स्थिति देख लेते हैं ईरान भारत की। देखिए दोनों एशिया के देश हैं, ये आपका भारत है और ये आपका ईरान है यहाँ, ठीक है। ये आपका ईरान फारस की खाड़ी हो गई है, ये अरब की खाड़ी, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी। आगे बात करेंगे आपके चाबहार बंदर के बंदरगाह के बारे में और भी जो क्षेत्र होंगे उन्हें भी बताऊंगा। हाल ही में भी ईरान द्वारा भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किए जाने का निर्णय लिया गया है। ईरान ने भारत पर वित्तीय में देरी का आरोप लगाकर ऐसे निर्णय लिए हैं। अफगानिस्तान सहित मध्य एशिया में अपनी पहुंच तथा व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित किया था। इसके साथ ही वहां कई विकासात्मक परियोजनाओं सहित चाबहार की एक रेल परियोजना में भारत की भागीदारी थी, जिसे ईरान द्वारा वित्तीयन में देरी का आरोप लगाया गया का निरस्त कर दिया गया है। इसे यह निर्णय चीन और ईरान समझौते के तुरंत बाद आया है। अब इस रेल परियोजना का निर्माण ईरान ईरान स्वयं करेगा। यह रेल परियोजना ईरान के चाबहार से अफगानिस्तान सीमा पर स्थित जहेदान तक के लिए है। एक बात सोचिए आप लोग कि इतने प्रतिबंध झेल रहा है ईरान, ईरान के पास अपना कोई पैसा भी इतना नहीं है कि वो स्वयं इसे इसका विकास कर सके। इनडायरेक्ट आप सभी जानते हैं कि चाइना के साथ समझौता हुआ, चाइना इसे पैसा देगा और ये विकास करेगा, यानी कि चाइना की ये चाल है। ये चाबहार बंदरगाह के बारे में आप देखिए, ये है आपका यहाँ चाबहार बंदरगाह, अच्छे से देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ ईरान में आपका चाबहार बंदरगाह और यहाँ जो चाइना ने आपका पाकिस्तान में विकसित किया हुआ है ग्वादर बंदरगाह। तो हम लोग चाबहार बंदरगाह को ग्वादर बंदरगाह का विकल्प मान रहे थे। इससे क्या होगा कि हम लोग इसे विकसित करके अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इन सभी देशों तक हमारी पहुंच हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कहीं नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह पीओके वाला हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और चाइना से हमारे ठीक रिश्ते नहीं है, तो यहाँ से भी जा पाना असंभव है। इसलिए हम लोगों ने एक चाबहार पोर्ट ईरान में विकसित किया और यहाँ से आप लोग अफगानिस्तान और बाकी देशों में आसानी से अपनी पहुंच बना सकते हैं, समझ रहे हैं। तो याद रखिए, चाबहार बंदरगाह से ब्रिक्स अलग नहीं किया है भारत को, केवल वहां अन्य परियोजनाएं चल रही थी उन्हीं से अलग करने की बात की जा रही है। अलग करने की बात भी नहीं कही जा रही, ये कहा जा रहा है कि भारत बहुत टाइम लगा रहा है इसलिए वो विकसित कर रहा है, अगर बाद में भारत चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है। अगर हम लोग भारत ईरान के संबंधों का संक्षिप्त इतिहास देखें तो प्रारंभ की समय में बात करें तो 1950 से 1991 के बीच का समय। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत दोनों देशों के मैं कूटनीतिक संबंधों की स्थापना 1950 से हुई है। शीत युद्ध में कि इस काल में जहां भारत गुट निरपेक्षता का समर्थन था करता था, वहीं सोवियत रूस ने रूस से उसके संबंध बेहतर थे, वहीं ईरान का शाही शासन अमेरिका का हिमायती था। अतः इन दोनों देशों दोनों के संबंधों में महत्वपूर्ण विकास इस काल में देखने को नहीं मिला है, क्योंकि आप जानते हैं शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच एक लड़ाई थी एक तरह की। इसमें डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ा जा रहा था लेकिन इनडायरेक्ट युद्ध टाइप का चल रहा था, व्यापार को लेकर और भी पक्षों को लेकर। तो इस एक पक्ष में था एक सोवियत संघ रूस और दूसरी पक्ष में थी महाशक्तियों में शामिल थी अमेरिका उसके सहायक देश, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि 1947 में हम आजाद हुए, तो अभी तो हम लोग दूसरे की गुलामी करके छोड़े हुए थे। भारत ने सोचा कि अगर हम किसी महाशक्ति में शामिल होते हैं तो फिर से हम गुलाम बन जाएंगे, इसलिए भारत ने अपना एक अलग से रास्ता चुना, गुट निरपेक्षता का समर्थन किया। ये सब्जियों वाले को बड़ी बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की बढ़िया मदद भी कर रहे हैं, घर घर पहुंचा दे रहे हैं। चलिए, सबका योगदान है कोरोना महामारी के को हराने में रहेगा। 1979 में ईरान में शाह शासन की समाप्ति और धार्मिक प्रमुखों की शक्ति बढ़ने के उपरांत ईरान तथा अमेरिका के संबंधों में तेल कंपनियों के
राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर तनाव बढ़ गया, परंतु भारत के साथ संबंधों की स्थिति भी वैसे ही रही, क्योंकि ईरान ने भारत पर कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया था। 1979 तक यही स्थिति रही। इस दौरान भी भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति ईरान से तेल आयात कर रहा था तथा ईरान से संबंधित अन्य मामलों पर निष्पक्षता की नीति का पालन कर रहा था। यथा ईरान इराक ईरान के मध्य 1980 से 1988 के मध्य हुए 8 वर्षीय युद्ध में भारत निष्पक्ष रहा, यानी कि भारत ने किसी का सपोर्ट नहीं किया है। शीत युद्ध के उपरांत विश्व परिवर्तित हो चुका था, क्योंकि आप जानते हैं 1991 में आपका शीत युद्ध खत्म हो चुका होता है। सोवियत संघ कई हिस्सों में बट जाता है, रूस भी उससे अलग हो जाता है। वैश्विक स्तर पर एकमात्र शक्ति उस समय बची हुई थी अमेरिका। अमेरिका ने दोनों देशों के संबंध बेहतर नहीं रहे। सोवियत संघ के पतन ने दोनों देशों को अपनी विदेश नीति पर विचार करने हेतु विवश कर दिया था। जहां भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकता तथा नई एलपीजी नीतियों का लाभ प्राप्त करने हेतु नई साथियों की तलाश थी, वहीं ईरान पश्चिम एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को स्वयं को बचाने हेतु नए सहयोगियों की तलाश में था। इन्हीं परिस्थितियों में भारत ईरान संबंधों की बिगाड़ता बढ़ी और 1993 से सन 2003 तक का दशक भारत ईरान संबंधों में स्वर्ण काल या स्वर्ण दशक के नाम से जाना जाता है। अभी भी आप देखते हैं कि अमेरिका बहुत बुरी तरह से ईरान पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, और भारत इसीलिए आप सोचिए कि काम नहीं कर रहा है, वहां परियोजनाओं पर खर्च नहीं करना चाह रहा है। कि आगे अगर आप सोचिए कि 2020 में लास्ट में अभी चुनाव है, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीत कर आते हैं तो हमारे लिए वहां परियोजनाओं पर खर्च करना मुश्किल रहेगा। अगर दूसरी पार्टी भी जीत कर आती है तो हो सकता है कि उसका ईरान पर नरम रवैया रहे, तब आप यहाँ की परियोजनाओं पर खर्च कर सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी भी रहेगी। भारत हेतु ईरान के अगर महत्व की बात करें तो आर्थिक महत्व। ईरान भारत का पुराना आर्थिक और सामरिक सहयोगी है। अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले भारत चीन के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। दोनों देशों का सालाना द्विपक्षीय कारोबार करीब $2,000 करोड़ का था है। भारत ईरान को दवा भारी मशीनरी कलपुर्जे अनाज का निर्यात करता है। भारतीय कंपनियां ईरान की तेल रिफाइनरी दवा फर्टिलाइजर और निर्माण क्षेत्र में पैसा लगा रही हैं। मध्य एशिया हेतु प्रवेश द्वार भी है। भारत तथा मध्य एशिया में सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक संबंध है, परंतु पाकिस्तान के अवरोध तथा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण भारत इन संबंधों को आर्थिक रूप से भुना नहीं पा रहा है। जहां भारत और मध्य एशिया के मध्य व्यापार मात्र $1.5 बिलियन है, तो वहीं चीन से मध्य एशिया का व्यापार $13 बिलियन है। समझ रहे हैं मतलब कितना चीन काम से ज्यादा है वहां। संघाई सहयोग संगठन में जहां मध्य एशिया के देश हैं उसमें भारत सदस्य राष्ट्र तथा ईरान पर्यवेक्षक राज्य। एक स्थायी मध्य एशिया भारत तथा ईरान दोनों ही विदेश नीति का हिस्सा है। 1995 में एक समझौते के अनुसार भारतीय सामान ईरान के बंदर ए अब्बास से होकर तुर्कमेनिस्तान द्वारा मध्य एशिया पहुंचाया जाने लगा। भारत के इस विस्तारित पड़ोस तक पहुंच स्थापित करने के मुद्दे पर ईरान भारत का सहयोगी सिद्ध हो सकता है। अफगानिस्तान हेतु कनेक्टिविटी। अफगानिस्तान की तालिबानी सत्ता भारत तथा ईरान दोनों की विदेश नीति के विरुद्ध थी। जहां भारतीय लोकतांत्रिक अफगानी सरकार का समर्थक था, और वहीं ईरान मानता था कि तालिबान सुन्नी कट्टरपंथ को बढ़ावा देगा, परंतु सन 2001 में तालिबानी शासन समाप्त होने पर दोनों ही देशों ने अफगानिस्तान के विकास में रुचि दिखाई। भारतीय सामानों को अफगानिस्तान पहुंचाने से रोकने के लिए पाकिस्तान निर्णय के बाद ईरान ने भारत की अफगानिस्तान पहुंच हेतु पारगमन मार्ग उपलब्ध कराए। इस हेतु ईरान के चाबहार से देलाराम जेरंग अफगानिस्तान तक मार्ग का निर्माण भी किया गया। इसी सापेक्ष में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने हेतु 2015 में एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। इसका विकास अब भारत द्वारा पूर्णता किया जा चुका है। आप लोग देखिए यहाँ, आप सोचिए कि चाबहार से अगर हमारी पहुंच हो जाती है तो बाकी देशों में आप इस तरफ भी इराक हो गया, कुवैत इस तरफ भी आप आराम से जा सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सभी तक आपकी पहुंच आराम से हो सकती है। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो भारत बड़ी संख्या की
बड़ी जनसंख्या की आवश्यकता को देखते हुए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुकी है। ईरान ऊर्जा का विशाल भंडार है ईरान में। आज भी यह भारत को तेल निर्यात करने वाले देशों में इराक और सऊदी अरब के बाद तीसरे स्थान पर है। ईरान द्वारा भारत को लगभग आपका 4,58,000 BPD तेल दिया जाता है और भारत ईरान के मध्य IPI यानी कि ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइंस बिछाने का भी समझौता हो चुका है। अगर इन दोनों देशों के बीच हम लोग मतभेद की बात करें यानी कि समस्याओं की, तो क्या क्या है। भारतीय जनता की आर्थिक स्थिति, परमाणु समझौते का विवाद। 2005 में ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने आरोप लगाया कि परमाणु आपसी संधि पर हस्ताक्षर के उपरांत भी ईरान कुछ संयंत्रों पर परमाणु का उच्चतम संवर्धन कर परमाणु हथियार का निर्माण कर रहा है। इसके उपरांत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा ईरान के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में हुए मतदान में भारत ने भी ईरान के विरुद्ध मतदान किया और ईरान पर प्रतिबंध आरोपित कर दिए। यहीं से बात बिगड़नी शुरू हो जाती है। आप जानते हैं कि आप अगर किसी देश के विरुद्ध में जाकर वोट करते हैं तो आपकी बुराई होना स्वाभाविक है। 2013 में ईरान द्वारा पुनः प्रतिबंध हटाने हेतु प्रयास आरंभ किए गए जिसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और जर्मनी के सहयोग से वान समझौते में ईरान पर प्रतिबंध समाप्त करने की बात की गई, परंतु 2016 में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिकी राष्ट्रपति बनते हैं, उन्होंने इस समझौते को न्यूक्लियर होलोकॉस्ट की संज्ञा देकर एक तरफा रद्द कर दिया तथा ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध को फिर से बढ़ा भी दिया। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि वो हर तरह के समझौते, WHO देख लीजिए आप लोग, सभी ही समझौतों से हटते जा रहे हैं पीछे और अपने देश को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं। इस तरह ओबामा की सरकार इस तरह से नहीं थी या ईरान के सम्मान पर ठेस था। कई देशों ने इसका विरोध भी किया। भारत ने इस मुद्दे पर ईरान का साथ दिया परंतु प्रभावी रूप से अमेरिका का विरोध नहीं किया। जबकि समझौते के रद्द होने से भारत में तेल की कीमतें बढ़ेंगी और आर्थिक प्रतिबंधों के फलस्वरूप चीन ईरान में बढ़ेगा और यह दोनों स्थितियां भारत के हित में नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन भी अमेरिका के खिलाफ है और अगर ईरान पर कोई भी प्रतिबंध लगाते हैं, आप सोचिए प्रतिबंध क्यों सक्सेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं चीन का पूरा साथ मिल रहा है ईरान को और ईरान को साथ मिल रहा है तो भारत से दूरियां बढ़ेंगी ईरान की, क्योंकि हम डायरेक्ट ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और यही हमारे लिए नुकसानदायक है। अमेरिका तथा इजराइल की तरफ भारत का झुकाव, हाल के समय में जहां एक तरफा भारत के अमेरिका व इजराइल के रिश्ते बिगाड़ हुए, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ अमेरिकी रिश्ते तलख हुए हैं और आप देखते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे जितने अच्छे रिश्ते होते जाएंगे, ईरान से हमारी दूरियां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। ये तो आप अपनी दैनिक जीवनचर्या में भी देखेंगे कि आपका दोस्त है कोई अगर और आपके दुश्मन से हाथ मिला ले, उसकी दोस्तियां बढ़ने लगे तो आपके और आपके दोस्त के बीच दूरी बढ़ने लगेगी। अभी हाल में ही ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों का भी भारत द्वारा बिखरता से विरोध नहीं किया गया। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका द्वारा ईरान पर लगे प्रतिबंधों में भी अत्यंत कूटनीतिक भाषा का प्रयोग किया था। कश्मीर पर ईरान का रोक, ईरान प्रारंभ से ही इस भ्रांति को मानता है कि कश्मीर की जनता द्वारा भारत द्वारा अमानवीय अत्याचार से पीड़ित है, अतः ईरान द्वारा कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाने पर भी भारत सरकार की आलोचना की थी। ईरान में चीन का बढ़ता हस्तक्षेप, अमेरिका प्रतिबंधों से ग्रस्त ईरान को नए सहयोगी की तलाश थी, ऐसे में चीन द्वारा उसे सहयोग दिया गया है। हाल ही में ईरान और चीन में एक महत्वाकांक्षी डील हुई है। दोनों देशों के बीच यह रणनीतिक और व्यापारिक समझौते अगले 25 वर्षों तक मान होगा। चीन ईरान की तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग को बढ़ाएगा जबकि ईरान उसे सस्ती कीमत पर तेल और गैस उपलब्ध कराएगा। इस समझौते के तुरंत बाद ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है। अगर उम्मीदों की किरण की बात करें यानी कि भारत ईरान के सहयोग के क्षेत्रों की बात करें, तो चाबहार परियोजना, भारत द्वारा ईरान के चाबहार का विकास भारत को दोहरा लाभ प्रदान करेगा। एक तरफ जहां यह अफगानिस्तान, मध्य एशिया तथा यूरोप पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगा, वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकेगा। INSTC भारत ईरान तथा रूस के मध्य इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर के निर्माण हेतु समझौता हुआ है। यह दोनों देशों की पहुंच यूरोप एशिया के बड़े बाजार तक करेगा। भारत की विचारधाराएं,
भारत लोकतंत्र तथा शांति का समर्थक है, वहीं चीन की साम्राज्यवादी नीतियों से संपूर्ण विश्व परिचित है। यह आयाम भी भारत को मजबूती प्रदान करते हैं। गैस पाइपलाइन, भारत ईरान के मध्य IPI यानी कि ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव भी है। अफगानिस्तान फैक्टर, अमेरिका द्वारा तालिबान से बात करने का प्रस्ताव भारत तथा ईरान दोनों ही विदेश नीति का हिस्सा नहीं है। शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन में भारत सदस्य राष्ट्र है और ईरान पर्यवेक्षक राज्य है, ऐसे में यह संगठन दोनों को एक मंच भी प्रदान करता है। सांस्कृतिक सहयोग, दुनिया में ईरान के भारत में सियाओं की दूसरी सबसे बड़ी आबादी निवास करती है। सिया समुदाय भारत और ईरान के राजनीतिक, धर्म, सांस्कृतिक, इतिहास इत्यादि क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आतंकवाद, दोनों देश अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे समूहों का एक सुर में विरोध करते हैं। ISIS का मजबूत होना ईरान के साथ साथ भारत के लिए भी खतरा है, अतः आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी लड़ाई में ईरान और भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार हो सकते हैं। लास्ट में आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले आप जानते हैं कि हमारा रूस से अच्छी दोस्ती हुआ करती, पाकिस्तान के पक्ष में आपका अमेरिका रहा करता था, चीन के पक्ष में भी अमेरिका रहा करता था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान की तरफ रूस का बढ़ता प्रभाव और हमारी तरफ अमेरिका भी बढ़ रहा है। अमेरिका ये मत कहिए कि अमेरिका से दोस्ती आपके लिए फायदेदायक है, अमेरिका इसलिए आपसे दोस्ती कर रहा है क्योंकि उसे चीन को प्रतिस्थापित करने के लिए कोई साथी चाहिए ऐसा एशिया में, तो वो आपका यूज कर रहा है, दक्षिण एशिया के लिए भी, दक्षिण चीन सागर के लिए भी आपका यूज कर रहा है एक तरह से। यद्यपि आधुनिक परिस्थितियों में भारत तथा ईरान के मध्य संबंध थोड़े संकटग्रस्त हुए हैं, परंतु इन संगठनों के संकट के बादलों को समाप्त करने हेतु कई किरणें भी हैं अभी। इन मुद्दों का वैश्विक स्थिति के अनुसार निराकरण आवश्यक है। भारत को अपनी विश्व शांति तथा वसुदेव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप कार्य कर अपने हितों को साधने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही ईरान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने में भारत को बदलती पृष्ठभूमि के अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन लाया जाना चाहिए, जैसे चीन और भारत पाकिस्तान को पिति संतुलित करते हुए अपनी आर्थिक और सामरिक हितों को सुरक्षित किया जा सके। तो ये कहानी है आपके भारत और ईरान के संबंधों की।